समय इम्फाल में मणिपुर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के बाहर हूँ। पार्टी यहाँ 5 साल से सत्ता में है, अब एक बार फिर सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। नमस्कार, मैं हूँ प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम मणिपुर की महाभारत। मैंने आपसे वादा किया था कि आज से मैं मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा, वहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में आपको बताऊंगा। और आपको बता दूं कि मणिपुर पूर्वोत्तर का बेहद खूबसूरत राज्य है, लेकिन इसकी इमेज या छवि बहुत ख़राब है। इसे उग्रवाद ग्रस्त माना जाता है। और यहाँ से मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूँ ये आपको मुख्य धारा के मीडिया में शायद ही मिले। तो मैं आज दोपहर में ही यहाँ पहुँचा, उसके बाद मैंने कांग्रेस बीजेपी के दफ्तर में दौरा किया और शहर को देखा। और एशिया में महिलाओं के सबसे बड़े बाज़ार एमा मार्केट भी गया था मैं, और करीब घंटे भर वहीं गुजारा। तो इससे काफ़ी तस्वीर स्पष्ट हो गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि मणिपुर के आम लोगों में इस चुनाव को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही है। आप जानते हैं यहाँ कई तरह के जटिल समीकरण हैं, जातीय समीकरण या कहें आदिवासी गैर आदिवासी, मणिपुर वैली बनाम मणिपुर हिल्स, तो कई चीज़ें बटी हुई है, बेहद दिलचस्प हैं। तो आज आपको उनमें से कुछ की जानकारी दे रहा हूँ। देखिए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, बीजेपी दफ्तर, कांग्रेस दफ्तर, मणिपुर शहर। और जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। सबसे अहम बात है कि मणिपुर के लोगों में इस चुनाव के प्रति खास उत्साह नहीं है। मैं इस समय मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हूँ, आज ही पहुँचा हूँ, एक सप्ताह यहीं रहूँगा। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद कहीं यह महसूस नहीं होता कि यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिनमें बीजेपी और कांग्रेस की नाक और साख दांव पर लगी है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मुझे बमुश्किल बीजेपी के एक आध पोस्टर नज़र आए और एक आध कांग्रेस के पोस्टर नज़र आए। और वो भी यह था कि हाल में मोदी यहाँ आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया था। अभी आप देखें वो दफ्तर कैसा है। यह बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय इम्फाल में मणिपुर। मैं इस समय इम्फाल में मणिपुर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय के बाहर हूँ। पार्टी यहाँ 5 साल से सत्ता में है, अब एक बार फिर सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है, आप देख सकते हैं। और चुनाव आयोग की पाबंदियों के कारण 4 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाता है यहाँ। 28 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, सोमवार को। तो मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, 38 सीटों पर है, घाटी की 38 सीटें हैं। और पूरे शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और स्थानीय पत्रकारों से मेरी बात हुई मणिपुर प्रेस क्लब में शाम को, उन्होंने बताया कि शहर में एक छोटा सा फ्लाईओवर है महज, और कोई फ्लाईओवर नहीं बना है, इतना ट्रैफिक है। मुझे करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लग गया, किसी काम से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था।
और मणिपुर के कुछ मित्र भी मिले, स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकार भी मिले। उन्होंने भी बताया कि मणिपुर की राजधानी में कोई फ्लाईओवर है ही नहीं। मुझे हैरत हुई कोलकाता से आने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कोलकाता में 7-7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर हैं, तो मणिपुर में मुझे हैरत हुई कि प्रमुख सड़कों पर फ्लाईओवर क्यों नहीं है। मैं कर रहा था विधानसभा चुनाव की चर्चा। मणिपुर पहुंचने के बाद लगता ही नहीं कि यहाँ चुनाव हो रहा है। मुझे हैरत हुई। मैंने स्थानीय पत्रकार मित्रों से पूछा तो उनका कहना था कि लोगों को लगता है कि को निरपहोय हमें का हानि, यानी सरकार किसी की भी बने, हमें तो कोई न फायदा होना है न नुकसान होना है, हमें तो 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। जी हाँ, सही बात है कि 5 साल बीजेपी की सरकार सत्ता में थी यहाँ, लेकिन लोगों की ज़िंदगी कुछ बदली नहीं है। और इस बार तो सरकार के तमाम सहयोगी ही तलवार लेकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। और शहर में न कहीं पोस्टर नज़र आ रहा है, न कहीं बैनर नज़र आ रहा है। आम लोग भी उतने चुप्पी साधे बैठे हैं। कहीं कोई कुछ चुनाव के बारे में पूछने पर भी नहीं जवाब देता। उसका कहना है कि देखते हैं, करते हैं। चुप्पी साधे हैं वोटर मणिपुर के इस बार। और ये बेहद दिलचस्प है। ऐसा होने पर या तो सत्ता बदलती है या तो बहुमत के सरकार सत्ता में आती है। और आप जानते हैं पिछली बार भी यहाँ किसी को बहुमत नहीं मिला था। महज 60 सीटें हैं मणिपुर में। पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी कांग्रेस, जो उससे पहले लंबे समय तक राज करती रही थी। बीजेपी महज 21 सीटों के साथ उभरी थी, मैदान में आई थी, 21 सीटें जीती थी। लेकिन नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय की, उसने 4 सीटें जीती, और नागा पीपुल्स फ्रंट नागालैंड की, उसने 4 सीटें जीती थी। और राज्यपाल की भूमिका भी उस समय पक्षपातपूर्ण थी, और उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया था, बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। और बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके एनपीपी और एनपीएफ को अपने साथ मिलाकर सरकार बना ली थी। तो मणिपुर का इतिहास आया राम गया राम का रहा है, दल बदल का रहा है। उसके बाद कांग्रेस के 13 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार भी चुनाव से पहले लंबे दौर चला, बड़ा दौर चला एक दल बदल का। बीजेपी से भी लोग गए, जनता दल यूनाइटेड में गए, एनपीपी में गए, कांग्रेस में गए, दूसरी ओर कांग्रेस से भी लोग अलग अलग पार्टियों में गए। तो एक छोटे राज्य में बड़े पैमाने पर दल बदल का दौर चला चुनाव से पहले, उम्मीदवारों की सूची के ऐलान से पहले। इसके अलावा कई निर्दलीय भी मैदान में हैं। मैं शाम को एशिया के सबसे बड़े महिला बाजार इमा मार्केट भी गया था। वहाँ भी महिलाएं कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं नज़र आई। तो मैंने सोचा आज पहुँचा हूँ तो आज पहली रिपोर्ट, आपको ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से दिखा दूँ। आपको बीच बीच में मणिपुर के कई नज़ारे भी देखने को मिले होंगे, वीडियोज़ देखने को मिले होंगे। और बेहद दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी यहाँ इस बार अकेले अपने बूते 2/3 यानी 40 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके उलट है। वो क्या है ज़मीनी हकीकत, इस बारे में मैं आपको अगली रिपोर्ट में बताऊंगा। कुछ और रिसर्च कर लूँ, कुछ और लोगों से बात कर लूँ। और कल मैं जाऊँगा बर्मा बॉर्डर से, म्यांमार जो अब हो गया है उससे सटे मोरे इलाके में, जो यहाँ से करीब 110 किलोमीटर है। तो आप देखते रहिए ज़मीनी रिपोर्ट, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ मुख्य धारा की मीडिया के लिए मणिपुर एक तरह से कहें तो उपेक्षित है, जैसे केंद्र सरकार के लिए उपेक्षित है। केंद्र में सत्ता चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी को, मणिपुर शुरू से ही उपेक्षित रहा है। और यहाँ आने पर पता भी चलता है कि कितना उपेक्षित है। और इसी वजह से यहाँ उग्रवाद भी बहुत तेज़ी से पनपा। आज़ादी के बाद से ही उग्रवाद पनप रहा है।
मैं आपको लगातार कई रिपोर्ट दिखाऊंगा जिससे आपको मणिपुर की जमीनी हकीकत का पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।